राहुल जी, आपके इस घोड़े के बच्चे पे सवारी करते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तो ये घोड़े का छोटा सा बच्चा है, तो आप तीन तीन सवारी लेके चल रहे हो इसके ऊपर। जब ये घोड़ा बड़ा हो जाएगा पूरा, तब तो आप इसके ऊपर बहुत सवारी लेके चलोगे। बिल्कुल अखिलेश, तुम सही कह रहे हो। जब ये घोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर मैं एक घोड़ा गाड़ी बना लूंगा और उसी घोड़ा गाड़ी पे बहुत सारे लोगों को बैठा के गांव से शहर ले जाया करूंगा। फिलहाल तो मैं इस छोटे घोड़े पर तीन सवारी लेके चल रहा हूँ। एक तो मैं खुद बैठा हुआ हूँ, दूसरी तरफ मायावती जी है, एक ऊपर तुम बैठी हुई हो। लेकिन राहुल, एक बात बताऊँ, तुम्हारा ये जो छोटा घोड़ा है, ये बहुत हल्के हल्के चल रहा है। ये शहर पहुँचने में बहुत वक्त लगा देगा। ऐसे तो मैं शाम तक शहर पहुँचूंगी। अरे मायावती जी, शाम तक शहर क्या पहुँचोगी? वो देखो मोदी इंस्पेक्टर जी खड़े हुए हैं, कहीं ये कोई लफड़ा ना कर दे। रोक लो राहुल, रोक लो अपने घोड़े के छोटे से बच्चे को, यहीं पर रोक लो। बोलो मोदी सर जी, क्या बात है, कोई दिक्कत हो गई? राहुल, तुम्हारे इस छोटे से घोड़े का चालान कटेगा, जिसके ऊपर तुम तीन सवारी बैठाए हुए हो। एक तुम खुद बैठे हो और दो सवारी और बैठी हुई है। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये कोई मोटरसाइकिल है जिसमें तीन सवारी बैठी होंगी तो चालान कट जाएगा। राहुल, पहली बात तो ये घोड़े का छोटा सा बच्चा है, अभी ये पूरा घोड़ा नहीं हुआ है। अभी से तुम इसके ऊपर इतना वजन लेके चल रहे हो, इसीलिए चालान तो कटेगा ही कटेगा। मोदी जी, ये घोड़े का छोटा सा बच्चा है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएगा। अरे मम्मी जी आ गई। मम्मी जी, ये देखो मोदी सर जी अपने इस घोड़े के बच्चे का चालान काट रहे हैं, कह रहे हैं तीन सवारी बैठी हुई है इसके ऊपर। मेरे बेटे राहुल, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है, अभी ये घोड़े का बच्चा छोटा है, इसके ऊपर दो ही सवारी लेके चला कर। एक तरफ तू बैठ जाया कर, एक तरफ और सवारी किसी को बैठा लिया कर, लेकिन तू तो तीन तीन सवारी लेके जाता है। मम्मी जी, शाम को जब भाड़े का ज्यादा पैसा लाके देता हूँ तो आप कुछ नहीं बोलती हो। देखो बहन सोनिया जी, मैं अभी तो इस बार छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे अगर इस राहुल ने इस छोटे से घोड़े पे इसी तरीके से ज्यादा सवारी बैठा ली तो मैं चालान काट दूंगा। राहुल, क्या शहर जा रहे हो? इस छोटे से घोड़े पे मुझे भी बैठा लो। अरे नहीं योगी जी, अभी तो चालान करते करते बचा है, आप पैदल ही आ जाओ शहर। राहुल, जब शहर से वापस आओ तो मेरे लिए 1 किलो दाल लेते चले आना, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मोदी जी, मुझे लगता था बड़ा दिक्कत होगी तुम्हारे ट्रक का ये आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिल लाने में, लेकिन मेरा घोड़ा आराम से ले आया। चलो अब इसे उतरवा लो और मेरा किराया भी दे दो। वैसे मोदी जी, एक बात पूछूं, ये आपके ट्रक का आगे वाला हिस्सा अलग कैसे हो गया ट्रक से? दो टुकड़ों में कैसे बट गया तुम्हारा ट्रक? अखिलेश, मैं क्या बताऊं, मैं कितने बड़े नुकसान में बैठा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा ट्रक चलते चलते दो टुकड़ों में बट गया। अब आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिन तो मैं तुम्हारी घोड़ा गाड़ी पे रख के ले आया, अभी पिछले वाला हिस्सा भी लाना है। फिर दोनों हिस्सों को मुझे वेल्डिंग कराना है, दोनों को ज्वाइंट कराना है। और अखिलेश, अभी तुम पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसे, कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे मोदी जी, कौन से पैसे की बात, कैसी बात करती हो? जो तुम्हारे ट्रक का अगले वाला हिस्सा मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाया हूँ यहाँ पर दुकान पर, तो इसके पैसे दो मुझे। भाई अखिलेश, भड़कना मत, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा किराया किस बात का हो गया? तुम मेरे ट्रक के केबिन में आराम से बैठ के आए हो। अखिलेश, मैं अपने ट्रक के केबिन में अगर कोई सवारी बैठाता था तो उस सवारी से मैं 10 किलोमीटर दूरी के 500 रुपए लेता था, और तुम तो 5 किलोमीटर दूरी से लाए हो मेरे ट्रक के केबिन को और उसमें बैठ के आए हो, तो किराया दो तुम उसी किराए में से। मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, तुम्हारा किराया 100 रुपए बना। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, तुमने तो मुझे उल्टा फांस दिया। अरे मेरी घोड़ा गाड़ी पे तुम्हारे केबिन ने पूरी जगह घेर रखी थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं अंदर बैठ के आ गया, कहाँ बैठ के आता, तो तुम केबिन में बैठने का किराया लोगे? अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। इंस्पेक्टर योगी जी, मोदी जी मेरा किराया नहीं दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी पे मैं इनका ट्रक का अगला हिस्सा लाया था, ये केबिन। क्यों भाई मोदी जी, अखिलेश का किराया क्यों नहीं दे रहे हो, किराया दो उसका। योगी सर जी, पूरी बात जानो तभी मुझसे किराया मांगना। ये मेरे ट्रक के केबिन को अपने घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाए थे और उसमें बैठ के आए थे, ये बताओ उसमें बैठने का मैं अपना किराया नहीं लूंगा? ये मेरे ट्रक के केबिन में अंदर बैठने का किराया दे दे, मैं इनका किराया दे दूंगा, नहीं तो ये अपने रास्ते अखिलेश, मैं अपने रास्ते। बात तो सही कह रहे हो मोदी जी। अखिलेश, तुम मोदी जी के ट्रक के केबिन यानी कि अगले हिस्से में अंदर बैठ के क्यों आए? तुम बाहर बैठ के आते, अब तो किराया बराबर हो गया दोनों लोगों का। मोदी जी, आपका ट्रक के दो हिस्से कैसे हो गए? और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दंगल की आज पहली कुश्ती के विजेता घोषित हुए, जिन्होंने अपने करीबी मजबूत पहलवान अखिलेश जी को हरा दिया। फिलहाल के विजेता घोषित हुए हैं योगी जी। हालांकि ऐसा नहीं है, कई बार इससे पहले अखिलेश जी भी योगी जी को इस कुश्ती में हरा चुके हैं। और अभी आप सब लोग कहीं जाना नहीं, अगली कुश्ती होगी योगी जी और राहुल के बीच।
राहुल एक मजबूत पहलवान है जो अब तक की इस गांव की जितनी भी कुश्ती हुई है सबको हराते चले आए। अब उनका मुकाबला होगा योगी जी के साथ। इंतजार कीजिए थोड़ी देर का। अरे योगी जी, गांव के पब्लिक से इनाम के लिए तो बात करिए। पहलवान की जीत के बाद तो कोई पैसे देने के लिए आ ही नहीं रहा। कैसे इस गांव के लोग हैं? अरे पहलवान का मनोबल तो तभी बढ़ता है जब उसे इनाम के पैसे मिलते हैं। अरे योगी जी, गांव के लोग अभी थोड़ी इनाम देंगे तुमको। अभी तो तुम्हारी एक कुश्ती और होना बाकी है राहुल जी से। अगर तुम राहुल जी को हरा देती हो तो तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम राहुल जी को हरा पाओगे, क्योंकि राहुल जी बहुत मजबूत पहलवान है। इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। योगी जी अभी से इनाम करने लगे? अरे पहले अपना दोनों की तो कुश्ती हो जाने दो, तभी तो विजेता घोषित होगा। अभी तो तुमने सेमीफाइनल में अखिलेश को हराया है, फाइनल तो तुम्हारा और मेरे बीच होना बाकी है। और मैं अभी तक इस दंगल में जिससे भी लड़ा हूँ उस कुश्ती में मैंने सबको हराया है, और ये कुश्ती भी मैं ही जीतूंगा। राहुल भैया, ये कुश्ती आप जरूर जीतना, क्योंकि इस सेमीफाइनल की कुश्ती में योगी जी ने मुझे हराया है। हालांकि मैं एक तरफा नहीं हरा, बहुत टक्कर देकर हरा हूँ, और इससे पिछली वाली 5-6 कुश्ती में योगी जी को हरा भी चुका हूँ। आज मैं योगी जी के हाथों हारा गया। देखो अखिलेश, हार हार होती है, चाहे तुमने पहली कितनी बार भी योगी जी को हराया हो, फिलहाल तो योगी जी ने तुम्हें हरा दिया। हाँ, इस बात को मानता हूँ, तुम आसानी से योगी जी के हाथों नहीं हारे, तुमने कुश्ती में बहुत जबरदस्त टक्कर दी योगी जी को। वैसे मोदी जी, एक बात तो बताओ, फर्स्ट इनाम क्या है इस कुश्ती में? योगी जी, फाइनल कुश्ती जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल मिलेगी। इसीलिए योगी जी, राहुल जी, इस आर पार की कुश्ती को बड़ा ध्यान से लड़ना, साइकिल का सवाल है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बात है लालू जी, इसे कहते हैं भंडारा। समझे, क्या गजब का खाना दिया है तुमने, और किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको बुलाया है तुमने। मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसे कहते हैं भंडारा। राहुल देख रहे हो, तुम्हारे तरह भंडारा थोड़ी है जो तुमने खाली सादा चावल और खिचड़ी खिलवा दी थी। इसे कहते हैं भंडारा, दिल खोल के खर्च किया है लालू जी ने। क्यों अखिलेश और योगी जी? हाँ मोदी जी, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, दिल खोल के खर्च किया है लालू जी ने, बहुत ही बड़ा भंडारा करवाया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको बुलवाया है यहाँ पर, सबको दावत दी है उन्होंने, सभी लोग आए उनके भंडारे में, बहुत ही दिल खोल के खर्च किया है। और खाना भी इनका कितना प्यारा है, पूरी तो ऐसा लग रहा है खाते ही रहो, 50 पूरी खा चुका हूँ अब तक मैं। और अखिलेश तुम कितनी खा चुके हो? अरे मजे आ गए राहुल, मजे आ गए। अरे इनकी पूरी तो अच्छी है ही है, समझे, उससे अच्छी मुझे इनकी आलू की सब्जी लग रही है। बहुत ही बढ़िया भंडारा, कितना आदमी है देखो, कितना लोग आया है इनके भंडारे में। इसे कहते हैं भंडारा, बहुत ही मेहनत की है इन्होंने, बहुत ही पैसा खर्च किया है इन्होंने अपने भंडारे पे, मजा आ गया भाई। लालू जी, अरे लालू जी, तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा है भंडारे में बुलाने के लिए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, चुप कैसे हो आज? अरे अखिलेश क्या बोलूं, तुम सब लोगों की खुशी में मेरी खुशी है, मैं ऐसा भंडारा करना चाह रहा था कि नाम हो जाए, और वाकई में यही हो गया, सब में नाम हो जाएगा मेरा, इतना बढ़िया भंडारा करवाया है मैंने, सब लोग तारीफ ही कर रहे हो, तुम सब लोग, इसी में खुशी है मुझे, और क्या है। वैसे लालू जी, मुझे लगता है तुमने खर्च बहुत किया है भंडारे पे, बहुत खर्च किया है, आदमी बहुत आया है खाने के लिए, और तुम्हारी सब्जी और ये पूड़ी बहुत ही मजेदार है। ओहो, उंगली चाट रहा हूँ मैं तो, बहुत ही मजेदार है, मुझे लगता है बहुत खर्च किया है तुमने। कितना खर्च हो गया है लालू जी, कुछ तो बताओ। अमित शाह जी, कभी भी पुण्य के काम में पैसे को नहीं देखा जाता, बस मैं खर्च करता चला गया, ये तो बात को देखूंगा मैं, कितना खर्च हुआ कि कितना नहीं हुआ, खर्च को नहीं देख रहा हूँ मैं इस टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि तुम सब लोग मेरी तारीफ भी करते हुए जाओ, ऐसा भंडारा हो मेरा कि नाम हो जाए। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।